आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 138 प्लस 156 प्लस 415 समथिंग कुछ आसपास, ठीक है। यानी कि टोटल 639 पद विभाग की तरफ से रिक्त हैं अभी भी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यही मैं आपको बताना चाहता था। और साथ ही देखिए, जो आज मैं आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित कुछ रिलेटेड बताया हूँ वो सुबह ही बताया हूँ, ठीक है। अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाकर आप उस वीडियो को पहले देखिए, इसके बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती के जो प्रमोशन के बारे में बताया था, जो उसकी श्रेणी के बारे में, ठीक है, जो प्रमोशन हुआ है श्रेणी द के, जो छात्रावास अधीक्षक के जो श्रेणी द में जो प्रमोशन हुआ है स में, उसके बारे में बताया था। और साथ ही कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था कि जो प्रमोशन के बारे में 138 प्लस, ठीक है, 138 लोगों का जो प्रमोशन किया गया था श्रेणी द का समय प्रमोट किया गया था। साथ ही जो कल ही यानी कि वर्तमान में आपका देख सकते हैं कि जो 156 प्लस यानी कि 156 लोगों का, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 156 लोगों का प्रमोशन हुआ है। यानी कि टोटल यहाँ पर 156 प्लस 138 यानी कि 200 से अधिक पद, यानी कि 200 से अधिक पद आपको देखने को मिल, मतलब सॉरी 200 से अधिक पद और साथ ही 415 रिक्त पद, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा कि यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं, ठीक है, जो स्वीकृत पद है 1510 और साथ ही यहाँ पर जो भरे हुए पद हैं 1095, यानी कि टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 400 के कुछ आसपास समथिंग यहाँ पर रिक्त पद हैं। यानी कि टोटल मिलाकर ये 400 पद और जो पहले जो हुआ था 138, ठीक है, जो छात्रावास अधीक्षक जो प्रमोशन किया गया था 138 प्लस जो वर्तमान में हुआ 156, यानी कि टोटल इन दोनों को और जो 400 है उन दोनों को मिलाकर यानी कि 600 से अधिक आपको पद देखने को मिल सकता है, ठीक है। यह जानकारी को देना था। अगर यह वीडियो में आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही कौन सी बुक से पढ़ना है, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कैसे करना है, और साथ ही कौन सी बुक से रिलेटेड आपको पढ़ना है और जिसकी योग्यता क्या होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसी इसकी वैकेंसी आती है सबसे पहले इस वीडियो में आपको पहले बता दूंगा। साथ ही देखिए, जो इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस यानी कि कंप्यूटर के आपके 50 नंबर रहेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। साथ ही गणित के 20 नंबर रहेंगे, हिंदी के 10 नंबर, अंग्रेजी के भी 10 नंबर रहेंगे, जीके यानी कि छत्तीसगढ़ जीके का आपका 20 नंबर रहेगा, सामान्य ज्ञान से 20 नंबर रहेगा, करंट अफेयर से 20 नंबर, यानी कि टोटल आपका 150 नंबर का हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का 50 नंबर रहेगा, 50 नंबर आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये सिलेबस के बारे में बात करें। अब योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता 12वीं प्लस कंप्यूटर, ठीक है, सामान्य ये तो 12वीं रहेगा और प्लस डिप्लोमा या कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर किए हैं, पीजीडी से हो या डीसी हो, जो भी आपको कंप्यूटर किए हैं वो रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, जो बुक आने वाली है, मतलब सॉरी, जो बुक के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।